नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस कहा जाता है। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना हमारे देश के इतिहास की बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भारत के इन महान सपूतों को ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर जेल में फांसी पर लटका दिया था। इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने इन तीनों को तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी थी। तीनों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, मगर देश में जनाक्रोश को देखते हुए गुपचुप तरीके से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। पूरी फांसी की प्रक्रिया को गुप्त रखा गया था। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर में जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत हुक्मरान ने आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के तट पर किया गया था। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करने के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने गलती से उसे ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था। स्कॉट ने उस लाठीचार्ज का आदेश दिया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह अपने साहसी कारनामों के कारण युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को अपने साथियों के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करने उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर ही भागने से मना कर दिया। भगत सिंह की करीब 2 साल जेल में रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। फांसी पर जाने से पहले वे लेलिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेलिन की जीवनी पढ़ रहे थे और वह उन्हें पूरी करने का समय दिया जाए। सभा डेली हंट डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।